फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञानोदय फॉर यू ऑल ओवर इंडिया लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल। तो भैया, एक बार फिर से आप सभी के लिए बहुत ही शानदार डिफेंस सेक्टर की वैकेंसी की अपडेट लेकर आ गए हैं, जो कि BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा रिलीज की गई है और ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है। इसमें मेल एवं फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट जो है वो 29 सितंबर है और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, फॉर्म कब से अप्लाई होकर रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। और फ्रेंड, आप सभी से वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन और इसी प्रकार लेटेस्ट वैकेंसी की अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल ज्ञानोदय फॉर यू को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार आने वाले लेटेस्ट वैकेंसी रिजल्ट एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। तो चलिए गाइस, टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अब हम आ चुके हैं BSF की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको बता दे कि किस पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। तो फ्रेंड, BSF द्वारा आप सभी मेल एवं फीमेल कैंडिडेट के लिए हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए ये वैकेंसी रिलीज की गई है और इसमें फ्रेंड हेड कांस्टेबल के रेडियो ऑपरेटर के लिए 982 पोस्ट है, यानी कि 982 पोस्ट है, और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए आपको 330 पोस्ट के लिए, इस प्रकार टोटल 1300 प्लस वैकेंसी रिलीज की गई है। तो फ्रेंड, अब आपको हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे कि इसकी क्या इंफॉर्मेशन है और आगे की क्या इंफॉर्मेशन उसे देखते हैं। तो चलिए, तो फ्रेंड अब हम आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, इसमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। फ्रेंड आपको बता दें कि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकती है, क्योंकि आपको हम एक एक पॉइंट की जानकारी देने वाले हैं, ताकि आपको किसी और की वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, इस वीडियो में आपको पूरा डाउट कंप्लीट रहेगा। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं, इसमें आपको किसी भी प्रकार कोई डाउट नहीं रहेगा, क्लियर रहेगा। तो जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक नॉन गैजेट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया जा रहा है इंडियन सिटीजन के मेल एवं फीमेल बोथ कैंडिडेट के लिए। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन मेड विल बी ओपेंड WEF 20 अगस्त 2022। तो फ्रेंड इसका 20 अगस्त 2022 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है और देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी क्लोज्ड 19 सितंबर 2022, यानी कि 19 सितंबर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए इसमें सैलरी बहुत ही शानदार है, चाहे मेल हो या फीमेल, आफ्टर सिलेक्शन आपको सैलरी किस बेस पे दिया जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं हेड कांस्टेबल जो रेडियो ऑपरेटर हैं और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए जो पे लेवल है, यानी कि आपको सैलरी जो पेमेंट लेवल है वो आपको 4th है इन पे मैट्रिक्स। और देखिए इसमें स्टार्टिंग में, यानी कि आपको ट्रेनिंग के दौरान से 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक की सैलरी इसमें प्रोवाइड की जाएगी। तो सैलरी बहुत ही शानदार है। और अब आगे देखते हैं, अब देखिए फ्रेंड हम आपको वैकेंसी की डिटेल बताते हैं, कैटेगरी वाइज देखते हैं किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी रिलीज की गई है। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, किस पोस्ट के लिए हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए अनरिजर्व के लिए, देखिए अनरिजर्व के लिए इसमें 23 पोस्ट है, EWS के लिए 30 पोस्ट, OBC के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है। किसके लिए, हेड कांस्टेबल RO यानी कि रेडियो ऑपरेटर के लिए, SC के लिए 9 पोस्ट और ST के लिए 8 पोस्ट है। इस प्रकार आप देख सकते हैं रेडियो ऑपरेटर के लिए टोटल 70 पोस्ट है, जिसमें 10% ESM के लिए है और 5% CA है, ये देखिए फ्रेंड। और देखिए रिमेनिंग वैकेंसीज, ये टोटल दिया गया है 206 पोस्ट है, और देखिए अनरिजर्व के लिए इतना पोस्ट है, और OBC के लिए कोई पोस्ट नहीं है, इसमें SC कैंडिडेट के लिए 84 पोस्ट है। तो इस प्रकार फ्रेंड इसमें आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है वैकेंसीज को। तो इस प्रकार देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है ये किसके लिए, हेड कांस्टेबल RO यानी रेडियो ऑपरेटर के लिए 982 पोस्ट रिलीज की गई है, और जो
हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए 330 पोस्ट के लिए। इस प्रकार 1300+ वैकेंसी रिलीज की गई है। और देखिए फ्रेंड, ESM एक्स सर्विस मैन के लिए भी इसमें कुछ वैकेंसीज है, जैसे कि ESM के लिए एक्स सर्विस मैन के लिए 10% है। और देखिए अब आगे की क्या इंफॉर्मेशन है उसे देखते हैं। तो फ्रेंड आप देखिए इसमें रिक्रूटमेंट की डेट क्या है, जैसे कि फर्स्ट फेज एग्जाम कब करवाया जाएगा। तो फर्स्ट फेज में देखिए जो रिटर्न एग्जाम यानी OMR बेस्ड में आपका एग्जाम होगा वो 20 नवंबर 2022 संडे से स्टार्ट होगा। और देखिए 20 नवंबर 2022 संडे यानी कि ये आप देख सकते हैं कितने बजे से कितने बजे तक आपका एग्जाम होगा, फर्स्ट फेज में होगा। और देखिए सेकेंड फेज में, देखिए सेकेंड फेज में जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंटेशन जो होगा वो 16 जनवरी 2023 को होगा, ये सेकेंड फेज है। और देखिए थर्ड फेज में आपका कौन सा एग्जाम होगा, डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन यानी आपको मेडिकल टेस्ट होगा जो थर्ड फेज में किया जाएगा वो 15 फरवरी 2023 को होगा। तो इस प्रकार ये थर्ड फेज हुआ। उसके बाद जैसे ही तीनों में क्वालिफाई होंगे आपको फाइनल रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट में फ्रेंड आप देख सकते हैं फाइनल रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर हेड कांस्टेबल RO एंड हेड कांस्टेबल RM सेपरेटली, यानी अलग अलग इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट या फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा, जिसमें मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड फॉलोइंग मैनर, किस बेस्ड भी आपका मेरिट तैयार की जाएगी। हेड कांस्टेबल में टोटल मार्क्स जो ऑब्टेंड होगा यानी कि एग्जाम में आपको OMR टेस्ट में 200 का होगा उसमें जो ऑब्टेंड किया जाएगा मार्क्स प्राप्त करोगे उसके, और डिक्टेशन टेस्ट जो 50 अंक होगा, इन दोनों को मिलाकर 250 मार्क्स में से आपको मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसी प्रकार ये हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक में टोटल मार्क्स ऑब्टेंड इन OMR टेस्ट आउट 200 मार्क्स, यानी जो रेडियो मैकेनिक में है इसमें 200 मार्क्स से आपको मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, और रेडियो ऑपरेटर में आपको 250 मार्क्स में तैयार की जाएगी आपकी मेरिट लिस्ट। और देखिए फ्रेंड अब देखिए इसके लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जैसे देखिए हेड कांस्टेबल RO के लिए यानी कि रेडियो ऑपरेटर के लिए मेट्रिकुलेशन आर इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, यानी कि आपको मेट्रिकुलेशन यानी हाई स्कूल पास होना चाहिए, इससे इसके समकक्ष कोई भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और देखिए 2 ईयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी सर्टिफिकेट इन रेडियो एंड टेलीविजन आर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट एंड डाटा रिप्रेजेंटेशन प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और जनरल इलेक्ट्रॉनिक और डाटा एंट्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड इसमें आपको रेडियो ऑपरेटर के लिए कौन कौन से क्वालिफिकेशन होना चाहिए, हाई स्कूल पास होना चाहिए, साथ में आपके पास ITI की सर्टिफिकेट होना चाहिए वो भी 2 साल का कोर्स होना चाहिए, किस ट्रेड से होना चाहिए जैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपके होना चाहिए, रेडियो टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ऑपरेटर में होना चाहिए या प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में होना चाहिए, डाटा प्रिपरेशन में होना चाहिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक से डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO से होना चाहिए आपका कंप्लीट ITI, वो भी किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट से। और देखिए इसमें पास्ड इन इंटरमीडिएट और 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी आर ए इंस्टीट्यूशन एज ए रेगुलर स्टूडेंट एज ए 60% मार्क्स इन PCM, या आपके पास हाई स्कूल और ITI की होनी चाहिए या इसके अलावा आप 12th पास किए हो वो भी PCM सब्जेक्ट से यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होना चाहिए, तो इसके लिए आप एलिजिबल होंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। किसके लिए है, हेड कांस्टेबल के लिए है, हेड कांस्टेबल जो रेडियो ऑपरेटर के लिए। और देखिए वहीं पे हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए आपके पास मेट्रिकुलेशन होना चाहिए और साथ ही इसमें भी आपको 2 साल का ITI ट्रेनिंग होना चाहिए, इसी में रेडियो एंड टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट डाटा प्रिपरेशन ये सारे ट्रेड से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रीशियन फिटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग टेक्नीशियन या
आपको मैकेनिट्रॉनिक्स और डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये सारे ट्रेड से आपको 2 साल का ITI कंप्लीट होना चाहिए। और साथ ही इसमें भी आपको 12 पास की हो PCM से, वो भी मिनिमम 60% होना चाहिए। तो फ्रेंड ये तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब देखते हैं इसमें आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड इसमें एज लिमिट जो होनी चाहिए आपकी, मिनिमम एज आपकी 18 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज होनी चाहिए आपकी 25 ईयर होनी चाहिए। किसके लिए ये एज लिमिट जो दिया है। और देखिए फॉर जनरल कैटेगरी, ये जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 25 है। और देखिए जो 18 से 28 साल होनी चाहिए OBC कैटेगरी की, और देखिए 18 से 30 साल होनी चाहिए SC ST की। यानी कि ये कैटेगरी वाइज आपको एज में भी रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी जनरल जो है मैक्सिमम एज 25 वर्ष होनी चाहिए, और OBC की 28 वर्ष होनी चाहिए, और SC ST की 30 साल होनी चाहिए। ये थी, और ये जो आपका एज का कैलकुलेशन किया जाएगा लास्ट डेट के अकॉर्डिंग किया जाएगा। और देखिए अपर एज में रिलैक्सेशन किस बेस पे दिया जाएगा। देखिए BSF सर्विंग विलिंग विलिंग कांस्टेबल GD ट्रेडमैन विद 3 ईयर्स रेगुलर सर्विस एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसीव ऑनलाइन एप्लीकेशन आर एलिजिबल कैटेगरी। अपर एज लिमिट में देखिए जनरल कैटेगरी को 40 साल होनी तक हो सकती है, OBC की 43, SC ST के लिए 45 साल। एज रिलैक्सेशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो उनके लिए 3 साल की छूट दी जाएगी, जैसे कि 8 साल प्लस 5 साल और 3 साल मिला के 8 साल, SC ST के लिए 10 साल की छूट। और एक सर्विसमैन की एज रिलैक्सेशन प्रिस्मेन अपर एज लिमिट एक सर्विसमैन के लिए है। और देखिए फ्रेंड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है, इसीलिए फ्रेंड वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने की टेंशन नहीं रहती, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड में आपके लिए मेल और फीमेल के लिए अलग अलग है। जैसे कि मेल के लिए हाइट कितना होना चाहिए, 1.68 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल के लिए 1.57 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए लंबाई। और चेस्ट जो है मेल कैंडिडेट के लिए 80 सेंटीमीटर से लेकर 85 सेंटीमीटर, यानी 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर तक कम से कम पुल करने पे, यानी कि आपका सीना फुलाने पर 5 सेंटीमीटर पुल होना चाहिए। और जो इसमें फीमेल के लिए चेस्ट में नॉन अप्लीकेबल है। और वेट में देखिए प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड, तो इसमें वेट यानी आपका वजन किस पे बेस पे होना चाहिए, आपके हाइट और एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी उसी की रेशियो पर बेस्ड होना चाहिए। तो ये था फ्रेंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। और देखिए अब फ्रेंड जान लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न, यानी कि किस बेस पे एग्जाम होगा। फर्स्ट फेज में देखिए रिटन एग्जाम होगा आपका, वो भी OMR बेस्ड पे होगा, जिसमें आपको कितने क्वेश्चन देखते हैं, किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे उसे देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड फर्स्ट नंबर देखिए, द MCQ टाइप रिटन एग्जामिनेशन ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन विल बी कंडक्टेड एज सिलेक्टेड सेंटर डेट एंड टाइम फिक्स्ड हेडक्वार्टर DG BSF। तो फ्रेंड इसमें जो रिटन एग्जाम आपका होगा वो 2 घंटे का होगा, जहां पर भी आपका सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए इस 2 घंटे में आपको जो है देयर विल बी 100 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स डिवाइडेड फॉलोइंग, तो इसमें 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे, यानी पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, जिसमें देखिए पार्ट 1 में फिजिक्स से आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और पार्ट 2 में मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, और पार्ट 3 केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन, पार्ट 4 में इंग्लिश एंड GK के 20 क्वेश्चन। इस प्रकार 100 क्वेश्चन होंगे और कितने मार्क्स के, 200 मार्क्स के। और इसी के साथ देखिए फ्रेंड 10+2 रिमार्क्स इंटरमीडिएट ऑफ CBSE स्टेट बोर्ड एजुकेशन करेंट अफेयर्स हिस्ट्री जियोग्राफी एंड जनरल साइंस से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें निगेटिव मार्क्स भी आपको देखने को मिलेगा, निगेटिव मार्क्स जो होगा देख सकते हैं फॉर एवरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 2 मार्क्स मिलेंगे, जिसमें आपको 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाएगा रॉन्ग आंसर पर, यानी कि आपको 1/4 या 1/4 मार्क्स काट लिया जाएगा निगेटिव मार्क्स के रूप में। और देखिए इसमें डायरेक्ट एंट्री जो होगी जनरल OBC और EWS के लिए 38% क्वालिफिकेशन है, और SC ST के लिए ये 33% है। और देखिए फ्रेंड्स सेकेंड फेज में, सेकेंड फेज जो होगा PET और
ये डॉक्यूमेंटेशन में, डॉक्यूमेंटेशन में देखिए प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग जो होगी, हाइट 168 मेल के लिए, फीमेल के 157, चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर, और वेटेज जो प्रोपोर्शनेट होगा। और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में देखिए आपको जो रेस दिया जाएगा मेल कैंडिडेट के लिए जो होगा, 1600 मीटर की रेस होगी या 1.6 किलोमीटर की रेस होगी, वो भी 6.5 मिनट में मेल कैंडिडेट को। और फीमेल कैंडिडेट को जो रेस होगी, रनिंग होगी, वो 800 मीटर की होगी, वो भी 4 मिनट में क्वालिफाई करना होगा। और वहीं पे देखिए फिजिकल एफिशिएंसी में लॉन्ग जंप जो होगी वो 11 फीट की होगी, 11 फीट की होगी, वो भी 3 टाइम्स चांस दिया जाएगा आपको। और जो फीमेल कैंडिडेट के लिए उसमें लॉन्ग जंप जो होगी 9 फिट की होगी, 9 फिट में 3 चांस है फीमेल को भी दिया जाएगा। और देखिए हाई जंप जो होती है वो 3.5 फिट की होगी मेल कैंडिडेट के लिए, इसमें भी 3 चांस दिया जाएगा। और जो हाई जंप में 3 फिट हाई जंप होगी फीमेल कैंडिडेट के लिए, 3 चांस दिया जाएगा। तो ये था फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। और देखिए आगे क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट होगा, एजुकेशन सर्टिफिकेट जैसे हाई स्कूल इंटर मार्कशीट, आईटीआई सर्टिफिकेट, एज वेरीफाइड मेट्रिकुलेशन, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो मार्कशीट हो उसमें एज हो उसे वेरीफाइड किया जाएगा, ईडब्ल्यूएस इनकम इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओबीसी के जो नॉन क्रीमी लेयर है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको होना चाहिए, वो भी आफ्टर सिलेक्शन। अब देखिए फ्रेंड लास्ट एवं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो कैंडिडेट विल हैव टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन यूजिंग बीएसएफ रिक्रूटमेंट पोर्टल। तो फ्रेंड इसमें आपको जो फॉर्म अप्लाई करना होगा ऑनलाइन मोड में होगा, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो ऑफिशियल पोर्टल है या ऑफिशियल वेबसाइट, ये आप देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट का यूज करके आप फॉर्म अप्लाई करना होगा आपको। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं, ये है HTTP, ये तो फ्रेंड ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट HTTP recruitment.bsf.gov। यहाँ से आप इसका यूज करके फॉर्म अप्लाई करेंगे। स्टार्टिंग डेट जो है 20 अगस्त है और लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की 19 सितंबर है। तो ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज की। और देखिए इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी होगी वो कितना होगी, इसमें देखिए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फी पेमेंट करना होगा, और जो SC ST और फीमेल कैंडिडेट से कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं ली जाएगी। आपको एप्लीकेशन फ़ी भी ऑनलाइन मोड में ही पेमेंट करना होगा, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट डेबिट कार्ड, UPI वॉलेट से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज के इस BSF हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर एंड मैकेनिक ऑपरेटर वैकेंसी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों आज की इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी एक कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी प्रकार के लेटेस्ट वैकेंसी के लिए हमारे चैनल ज्ञानोदय फॉर यू को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और साथ ही इसके अलावा आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट सरकारीexpert.com पर भी विजिट कर सकते हो, वहां पर भी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप दी जाती है। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज ज्ञानोदय फॉर यू पर भी फॉलोइंग कर सकते हैं। तो चलिए गाइज इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, आपका सिलेक्शन जरूर हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।